प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल तिजोरी लेकर मंच पर आए थे। पहले एक पोस्टर निकाला जिस पर मोदी और अदानी की तस्वीर थी। लिखा था एक है तो सेफ है। फिर तिजोरी से धारावी का मैप निकाला। इसके बाद धारावी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र से लेकर राज्य की सरकार पर सवाल उठाए। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ है, कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। राहुल कहते हैं कि धारावी प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है उससे फायदा अदानी को है और नुकसान धारावी की जनता को। वैसे राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में दिल्ली में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पोस्टर का जवाब पोस्टर से देते हुए संबित पात्रा ने पलटवार किया। ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर वन और एक्यूज नंबर टू दोनों बेल पे बाहर है। और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है, छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। असल में कहानी यह है कि अदानी ग्रुप ने साल 2022 में धारावी के पुनर्विकास के लिए नीलामी की बोली जीती थी। पुनर्विकास की इस परियोजना पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। शिंदे की सेना कह रही है कि विपक्ष को विकास के काम से दिक्कत होती है। मुझे लगता है इनका जो पूरा कैंपेन है वो एंटी डेवलपमेंट कैंपेन है। कांग्रेस भी कहती है कि हम लोग सत्ता में आने के बाद ये बंद कर देंगे, उद्धव ठाकरे जी भी कहते हैं कि ये बंद कर देंगे। धारावी का ये पूरा विवाद क्या है उसे आगे विस्तार से जानेंगे। अभी जानिए इस प्रोजेक्ट को लेकर चित्रा त्रिपाठी के साथ इंटरव्यू में सीएम एकनाथ शिंदे ने कल क्या कहा है। देखिए, ये धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे, उन्होंने यह सब तय किया है। सेकलिंग नाम की कंपनी थी, उसको रद्द करने का कारण क्या, क्यों कारण? किसी को देना था। अब क्या हुआ, सत्ता से बाहर तो जो मित्र थे दुश्मन बन गए। तंग गलियों वाले मुंबई के इस धारावी इलाके में करीब 8 से 10 लाख लोग रहते हैं। चित्रा त्रिपाठी जब इलेक्शन कवरेज के लिए धारावी की गलियों में पहुंची तो वहां बड़ी संख्या में महिलाएं राम कथा के आयोजन के लिए नाचते गाते जा रही थी। धारावी की इन गलियों में 13,000 से ज्यादा छोटे बड़े व्यवसाय चलते हैं। चित्रा ने धारावी को लेकर चल रहे विवाद पर लोगों से बात की और उनके मन की बात जानी। बाहर भेज रहे, हम धारावी आए, मुंबई का रहे, हमको यहाँ घर मिलना चाहिए। जो हमारा घर यहाँ है, यही हमारा घर होना चाहिए, और हमको हमारे जगह पे हमको बिल्डिंग बना के यहीं पे हमको रहना। धारावी के लोग धारावी नहीं छोड़ना चाहते। सरकार इस तंग गलियों का विकास कराना चाहती है, लेकिन विकास के आगे यहां अभी विवाद की ही चर्चा है।